हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी आई होप ऑल फोर डूइंग ग्रेट ऑल फॉर एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी यू टी पी लॉ ट्वेंटी इन थर्टी डेज फ्रॉम जीरो तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है सी यू टी जो कि एन एग्जाम लेगा ये ठीक है यहाँ पर आपका जो लॉ के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इसके अंदर अब डेली यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी इसी एग्जाम के थ्रू होगी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी इसी एग्जाम के थ्रू होगी अगर आप सारे कॉलेजेस की लिस्ट चाहते हुए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इसके अंदर आ गए हैं तो मैं वो लिस्ट क्रिएट कर दूंगी नीचे कमेंट करके बता देना अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम हर सेक्शन के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं मैं ये पहले भी आपके लिए कर चुकी हूँ बाइफर्केशन एक बार दोबारा से कर दूंगी क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी हम क्या करेंगे हम एन का सिलेबस लेंगे जो एन ने अपनी वेबसाइट पे दिया है जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगी एक बार आप भी देख लेना प्लस हम पी जो एक पी हमारे पास है सी यू का उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने हर सेक्शन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेंगे इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पहले करेंगे और बाकी बाद में करेंगे एंड यहाँ पर मैं आपको बुक्स भी बताने वाली हूँ कौन से रिसोर्सेज में से आपको पढ़ना चाहिए ये ये सारा कुछ पहुंच हाँ कर, कर है, सकते, सकते हैं कोई भी डाउट होगा तो कॉमेंट जरूर करना मैं आपके डाउट्स पढ़ूंगी या तो एक नई वीडियो कर दूंगी या फिर मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी राइट एंड ऑल्सो गाइज प्लीज फॉलो मी ऑन एट आई एम लॉगरी जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ठीक है वहां पे बहुत सारी शॉर्ट्स आती हैं जो कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अब तो एट आई एम एजोगिरी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है क्योंकि वहां पर भी मैं करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स वीडियोस देती हूँ जहां पर आपका कुछ ना कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का कवर हो जाता है बाकी इस चैनल को फॉलो करें ठीक है एंड कोई भी डाउट है तो आप क्यू एन ए सेशन ज्वाइन कर सकते हैं ये हर संडे को होता है इसके टाइमिंग्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देती हूँ तो टेलीग्राम भी ज़रूर फॉलो करें ठीक है मेरे जो

करेंगे अब देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैथ्स के रिलेटेड हम क्या करें कि मैथ्स आएगा नहीं आएगा तो यहाँ पे देखो यार तुम बहुत बड़े बच्चे हो ग्रेजुएशन तुम्हारी हो गई है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम CUET PG लॉ का पैटर्न 2022 में देखते हैं ठीक है तो CUET PG 2022 के अंदर अगर हम देखें तो CUET PG 2022 के अंदर बी एच यू जो था इसी एग्जाम के अंदर प्लेस कर दिया था ठीक है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अगर हम पूरा पढ़ें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे इस साल का जो डी का आया है कोड चेंज हो गया है 2023 का जो आया है सी यू टी पी जी लॉ का एन टी ए वालों ने दिया है इसके अंदर सिलेबस क्या है देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन वर्बल एबिलिटी यहाँ पे वर्बल एबिलिटी मिसिंग है तो ये वर्बल एबिलिटी इंग्लिश से रिलेटेड है ठीक है ना वर्बल एबिलिटी इंग्लिश के टॉपिक्स होते हैं उसके बाद और यहाँ पे स्लैश भी डालो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के बाद स्लैश है ठीक है फिर जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी जनरल नॉलेज आ गई ठीक है अब यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स पे भी कंप्यूटर बेसिक्स ठीक है लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग तो ना तो मैथ्स यहाँ मैंशन था और ना ही मैथ्स यहाँ मैंशन है जो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि भैया मैथ्स तो मैंशन ही नहीं है तो हम क्यों पढ़े बिल्कुल सही क्यों पढ़े क्योंकि एन ने जो अपना सिलेबस दिया है अंडर द कोड सी ओ क्यू पी इलेवन सी ओ क्यू पी इलेवन है ना इसके अंदर जा सकते जा सकते और अगर प्री, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन मैथ्स से आ सकते हैं बताओ छोड़कर जा सकते हो यार ये तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है क्योंकि तुम बहुत बड़े हो या तो एक सिचुएशन ऐसी होगी कि तुम मैथ्स करके जाओगे और मैथ्स आएगा या फिर तुम मैच ड्रॉप करके जाओगे और मैच आ गया तो प्रॉब्लम ड्रॉप करके जाओगे नहीं आ गया तो भी ठीक है ठीक है ना अगर छोड़ के गए और मैच कहीं आ गया तो ट्वेंटी क्वेश्चन और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोनों गए वहां पर ठीक है तो ये बात अब आप डिसाइड करो मैंने आपको ये जो मेरे पास पढ़ा था लास्ट ईयर का स्क्रीन शॉट ये मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ मेरे अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो आप बहुत समझदार हो और कमेंट्स में बता भी देना क्या डिसाइड करो बिकॉज मुझे भी सुनना है कि तुम लोग क्या चाहते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे बायोलिंग्वेल एग्जाम है मतलब इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्जाम होने वाला है सीयूटी पीजी लॉ का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से याद आ गया अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं लॉन्च होंगे मॉक टेस्ट डब्ल्यू पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज फर्स्ट कम वालों को मिलता है यहाँ पर कूपन कोड जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है ठीक है ना तो हंड्रेड एम होने वाले ये तो हमें पता है बैलिंग पेपर है ये भी हमें पता है उसके बाद मार्किंग स्कीम देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हंड्रेड क्वेश्चंस होने वाले हैं एक क्वेश्चन इज इक्वल टू फोर मार्क्स अगर करेक्ट करते हो माइनस वन मार्क अगर आप रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर है उसके बाद अगर हम पी वाई क्यू मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पेपर देखते हैं इंग्लिश से 27 मार्क्स का ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन आए थे ठीक है उसके बाद दूसरे पे हमारा आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें से ज्यादातर क्रिटिकल के क्वेश्चन आए थे ठीक है और फिर हमारा आता है मैथ्स बताओ कैसे छोड़ के जा सकते हो मैथ्स को बताओ खुद सोचो ना हाँ मैं मानती हूँ मैथ्स नहीं मैंशन किया बट सिलेबस में तो मैंशन कर दिया मैं डायरेक्ट लूंगी लिंक दूंगी सिलेबस का प्लीज अपने आर्ग्यूमेंट जरूर लिखना कॉमेंट में कि तुम क्या सोचते हो मुझे जानना है सच में जानना है हम तो नहीं करेंगे अरे भाई सिलेबस में लिखा हुआ क्या करोगे का? से 13 है नाइन कंप्यूटर्स है करंट अफेयर अब करंट अफेयर्स का बहुत बच्चों का क्वेश्चन है की पढ़े नहीं पढ़े छह क्वेश्चन ही आए थे अब एक बात बताओ इनका क्या जाता है अगर ये चेंज कर दे अगर ये ऐसा हो जाए हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं इनकी मर्जी है यार थर्टीन का सिक्स बना दे सिक्स का थर्टीन बना दे तो इसलिए हमें तो पढ़कर जाना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे एनटीए का सिलेबस क्या कहते हैं एनटीए कहता है इंग्लिश ग्रामर करके जानी है इंग्लिश यूसेज एरर्स करके जाना है जंबल पैराग्राफ सेंटेंस करेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ कंप्लीशन वन वर्ड सब्सिट्यूशन एनॉन एंटोनिम्स ईडियम एंड फ्रेजेस अब इसको मैं तुम्हारे लिए ब्रेक डाउन करूंगी इंग्लिश के अंदर देखिए एक तो होते हैं होती हैं ठीक है है को हमने क्या करना है? हर रोज वन आवर देना, देना है और ट्वेंटी एवरी हमें याद है, क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे तो टॉपिक कौन से होते हैं ठीक है one word substitution. ये तो याद करने में मजा ही आने लग जाता है एक पॉइंट के बाद कोई डरने वाली बात नहीं वन वर्ड सब्सी ठीक है फिर ईडियम एंड फ्रेजेस ईडियम एंड फ्रेजेस ठीक है उसके बाद हमारे आते थे And ये हमने हर रोज वन आर देना है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव भी याद कर लोगे ना अगर मतलब टेन डेज में सॉरी थर्टी डेज में इतने याद कर लोगे पक्का पेपर में कुछ तो अटेम्प्ट अच्छा खासा अटेम्प्ट कर आओगे ठीक है ऐसे वो कुछ भी नहीं पूछ लेते कुछ भी ठीक है वो पूछते हैं जो मतलब बच्चों ने पढ़ा हो ठीक है तो ये हो गया एक तो हमारा तो इसमें हमारे ये वाला टॉपिक हो गया ये वाला टॉपिक हो गया और ये वाला टॉपिक हो गया ठीक है जी अब हमारे आते हैं वन एंड डन टॉपिक्स वन एंड डन टॉपिक्स कौन से होते हैं कि जो जिनको हम एक दो दिन पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कौन कौन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा नहीं है कौन कौन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब सॉल्व करता है तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा है ये बताओ मुझे अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सच में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी ठीक है जो तुम्हारे लेवल की होगी देखो क्लाट का लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर है वीडियो मैंने करी हुई है उसका लिंक मैं दे दूंगी ठीक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर सॉल्व करने में दिक्कत है तो बताओ नहीं तो सीधा प्रैक्टिस करने पर आ जाओ अगर सीधा प्रैक्टिस करके आंसर सही नहीं आ रहे तो बताओ फिर हम इसका मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे करने क्योंकि वो लंबी वीडियो हो जाएगी तो वो अलग से करनी पड़ेगी उसके बाद हम सेकंड किस पे अटैक करें ग्रामर पे ठीक है ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर हम एक्टिव पैसिव करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहते हैं हम वो करके जाएंगे ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने यहां पे लिखा नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसिस प्रीपोजिशंस आर्टिकल्स ठीक है मतलब ये क्या है ये रूल्स हैं ठीक है रूल्स याद करेंगे रूल्स याद करेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे देखो अकेले रूल्स याद करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है दोनों चीजें साथ साथ करनी पड़ेंगी उसके बाद हम आ जाएंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे जंबल सेंटेंस क्या है सेंटेंस रीअरेंजमेंट ठीक है ये थर्ड टॉपिक हमारा बन जाएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट ठीक है अगर तुमने ये सब कर लिया तो बस तो बस यही है वो लिस्ट चलती रहेगी ग्रामर चलेगी ठीक है और थर्टी डेज में तुम बहुत प्यारी ग्रामर प्रिपेयर कर सकते हो बुक्स कोई भी ले सकते हो एसपी बख्शी है अरिहंत की ये ले सकते हो कोई भी बुक एनी बुक जो इंग्लिश कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो बुक स्टोर पे जाओ देखो खुद ठीक है और जो जिसमें ये टॉपिक्स हो साथ में लिख के लेके जाना ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है बुक शॉप पे गए अरे यू टी के लिए प्रिपेयर करें बुक दे दो नहीं तो भे मैंने टॉपिक्स बताए हैं तुम अपने टॉपिक्स लिख के लेके जाओ पेज पे और कहो और फिर खुद देखो कि कौन से टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस है या नहीं है ठीक है बुक शॉप की शॉपकीपर पर नहीं डिपेंड करना तुम्हारा पेपर है तुम्हें सिलेबस पता है ठीक है ना और तुम अपना डिसीजन खुद लो अब यहाँ पे बात करते हैं करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की जिसको जनरल स्टडीज भी कहते हैं कुछ बच्चे मतलब तुम्हारी हिस्ट्री जोग्राफी ये ठीक है ना तो यहाँ पे स्टैटिक जीके भी है हमारे पास और हमारे पास वो भी है जनरल जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर्स भी यहाँ पे करंट अफेयर्स लिख लेते हैं दोनों का डिस्कस करेंगे पहले एन क्या कह रहा है तुम्हारा वो देखते हैं तो एन कहता है कि भाई लिटरेचर पढ़नी पड़ेगी ठीक है हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी पड़ेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं वो देखकर सीधा एमसीक्यू सॉल्व आप कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डर लगता है नहीं डर लगता तो खुद से भी पढ़ सकते हो ठीक है उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स है ठीक है साइंस है और कल्चर आ जाता है और जोग्राफी भी है तो जो ये मैंने रेड 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 करे हैं ये हमारे रेड कौन से हैं सारे जनरल स्टडीज या जीके के क्वेश्चन अब इसका शॉर्टकट हम सीधा एम सी क्यूज पढ़ेंगे इसके ठीक है डायरेक्ट एम सी क्यूज पढ़ेंगे अरिहंत की बुक मैंने लिंक करी हुई है उसके लिए जा सकते हो ठीक है और भी बहुत सारी बुक्स हैं ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो जिसमें एम सी क्यूज है वो ब्लैक बुक जो आप लोग कह रहे हो बहुत बच्चों ने मैसेज किया कि वो देखो वो मैंने ऑर्डर करी हुई है जैसे ही वो आएगी मैं उसका रिव्यू या तो शॉर्ट्स पे या फिर वीडियो एक फुल फ्लेच्ड कर दूंगी कि भाई कैसी है कैसी नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती बिना देखे ठीक है तो ये जो बुक्स के लिंक है ये मैंने दे दिए हैं बट अब यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स नोट कर लीजिए अब मेरे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल है कल्चर में फोक डांसेस जरूर कर कर जाने हैं ठीक है लिटरेचर के अंदर बुक्स मतलब ऑर्डर किसने कौन सी बुक लिखी है ठीक है और लिटरेचर uh, के अंदर बुक्स एंड ऑर्डर ज़रूरी होते हैं फोक डांसेस अवार्ड्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं ठीक है तो ये अवार्ड्स भी कर कर जाने हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक होता है जिसमें डब्ल्यू ये वो सारा यू का कब आई यू बड़ा इंडिया उसका मेम्बर ये सारे भी हमें टॉपिक्स करने हैं अब यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए मैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइव टू सिक्स क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से ही आते हैं ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है अब देखिए बहुत सारे बच्चों के पास यूनिवर्सल्स की बुक होगी है ना यूनिवर्सल्स की बुक ठीक है इन्वेस्ट नहीं करना है बट अगर है तो फिर तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक्स उस बुक में से कवर करें ठीक है एंड फिर कोई और बुक के लिए जाए ठीक है अब यहाँ पे कंप्यूटर्स बहुत बच्चों को डर लग रहा है यार देखो एम वाली बुक लो और लर्न करना स्टार्ट कर दो और थोड़ा थोड़ा गूगल करना स्टार्ट कर दो ठीक है कि जो एम ये स्टार्टिंग चीज़ में ये करना है एम पढ़ा अगर पता है कि जो आंसर है वो ठीक है ये मतलब क्यों है तो सही है अगर ऐसा है कि भाई रटना ही पड़ेगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई समझ ही नहीं सकते हैं तो रट लो बट कुछ होते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग करके लर्न कर सकते हो तो अंडरस्टैंडिंग वाला और लर्न कर सकते हो तो उसके बारे में गूगल कर लो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लो वैसे कंप्यूटर्स का है दोनों बुक्स एक तो अरिहंत की ऑरेंज कवर वाली बुक आती है और एक ग्रीन वाली मैं कवर के हिसाब से जो ग्रीन वाली है वो बड़ी है उसके लिए जाना है उसके लिए जा सकते हो ठीक है अगर तो देखो अगर तुम डिसाइड करो कि टू आवर्स में एवरी डे कंप्यूटर्स को दे सकती हूँ तो तो ग्रीन वाली के लिए जाना अगर तुम कह रहे हो भाई इतना टाइम नहीं है तो अरिहंत की ऑरेंज ब्लू कलर की बुक आती है दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वो देख लो मेरा ना इसका सी ओ डी पी जी का क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मैंने बुक्स का लिंक जो है बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि ये लेनी ही लेनी है ये नहीं लेनी ये ऑप्शनल है ऐसा ठीक है अब यहाँ पे देखो आ गया कॉन्ट्रोवर्सी क्या कॉन्ट्रोवर्सी मैथ्स तो जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग बच्चे क्या कह रहे हैं कि दीदी दी, देखो जनरल एप्टीट्यूड हमारे वहां पे मेंशन नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हो तुम पूरे वकील बन गए हो तुम 99 परसेंट पर बेटा उन्होंने सिलेबस में डाल दिया है ठीक है ना तो अब क्या करें करना पड़ेगा तो यहां पर ये सारे मैथ्स के टॉपिक्स हैं देखिए मैथ्स बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है सबको पर यार तुम एक बार थर्टी डेज वंडर डर एस चंद तो लेके देखो अब तुम क्या करते हो तो मेरी बात मानते नहीं हो तुम कहते हो अच्छा एस चंद की बुक लेनी है तुम ले आते हो सबसे बड़ी बुक ठीक है जो बच्चे जी ये वल सबके लिए सॉल्व करते हैं ना वो वाली बुक ले आते हो और फिर कहते तो मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है जब मैं तुम्हें एक इजी बुक बता रही हूँ तुम वो खरीदते नहीं हो फिर रोते हो ये वाली बुक खरीद लो थर्टी डेज बाय स्टन इसको फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी तक जो चीज़ें आ रही हैं उनको सॉल्व करो टॉपिक्स को बहुत कुछ सॉल्व करके आओगे तुम पेपर में बहुत ईजी बुक है ठीक है अगर मेरे मतलब हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे मैथ्स के तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी अभी कोई बैच नहीं है वैसे हमारा मैथ्स का बैच चलता है बहुत ही अच्छा रिस्पॉस था है। बच्चे एमएच का एग्जाम देकर आए फाइव ईयर लॉ का और बड़ी खुशी खुशी आई कि हमारा मैथ्स तो बहुत अच्छा हो गया ठीक है तो पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बुक बस तुम्हें हर रोज इसके साथ टू आवर्स बैठना है अब ये मत करना कि इसको हाथ में लेके बैठ जाओ कि हाँ अपने आप आती रहेगी नहीं सॉल्व करना है फर्स्ट से लेके ये बुक ना डेज में डिवाइडेड है बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी बुक है अब यहाँ पे मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंशन करे हुए हैं बाकी ये बाकी मैं कहूंगी बस 30 डेज वंडर कंप्लीट जो है वो टॉपिक्स देखकर आप सॉल्व कर लो ट्रिग्नो वगैरह सॉल्व नहीं करनी है तो वो टॉपिक्स तो आपको यहाँ पे है एन टी ए ने वो आपको सॉल्व करने रहेंगे अब यहाँ पे आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग ये एनटीए ने हमें दिया हुआ है सारा ठीक है अब मैं आपको बता देती हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले हमें एम के पांडे लेनी है कौन सी बुक लेनी है पांडे जी की बुक लेनी है एम के पांडे बाय एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे की बुक आती है देखो यार तुम्हें कोई और बुक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना बट तुम्हें एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे में बहुत जरूरी मतलब मेरी बात मान लो दो बुक्स में मेरी बात जरूर माना एक तो मैथ्स की बुक और एक लॉजिकल की बाकी सब चाहे तुम अपनी मर्जी कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट ये वाली दो में मत करना क्योंकि ये बेस्ट है इससे ऊपर है ही नहीं है कुछ सच में अब यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही करी बहुत बच्चे ना लिंक में कमेंट करते हैं। अरे ये तो बुक की प्रमोशन अगर तुम्हें बुक बता दो तो दिक्कत नहीं बताओ तो दिक्कत अपना कुछ बता दो तो दिक्कत इसलिए मैं तो बताऊंगी ठीक है चलिए आर्ग्यूमेंट्स है कॉज एंड इफेक्ट कंक्लूजन एजम्शन एनोलॉजी एनोलॉजी जो है ये वर्बल में तुम्हें मिलेगा मतलब आर एस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजिंग का आर एस अग्रवाल ले रहे हो तो वहाँ पे मिलेगा ये भी आर एस का टॉपिक है ठीक है ये भी आर एस तो ये वाले जो इतने टॉपिक्स हैं ये एम के पाने में बहुत बढ़िया दिए हुए हैं और लास्ट ईयर यही सबसे

ठीक है कोडिंग डी कोडिंग ब्लड रिलेशन्स ये सारे के सारे मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंशन है वहाँ से आप पिक कर सकते हो बट पहले हमें कौन सा करना एम के पांडे फिर आर एस अग्रवाल पे आएंगे कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत बता दो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है जी अब यहाँ पर हमारा मैंने आपको बताया हुआ है देखो पढ़ना तो बहुत पड़ेगा कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता ठीक है तो जाओ इंस्टाग्राम पे मेरे चाहे फॉलो मत करना पर कर देना यार क्या जा रहा है फॉलो ही तो दोबारा सिर्फ वाम पे मैंने शेयर किए हुए हैं बच्चों के रिव्यूज वो खुद बता रहे हैं मैंने कोई उनको डंडा नहीं दिया कि तुम बताओ ठीक है वो खुद बता रहे मैसेज कर रही है कि, कि हमने आपका शेड्यूल फॉलो किया था स्टडी प्लान फॉलो किया था और बहुत बढ़िया हमारी प्रिपरेशन हुई और एग्जाम भी क्लियर हो गया एग्जाम अच्छा हुआ ये सब आपको मिल जाएगा तो मोटिवेशन मिलेगी आपको तो यार फॉलो कर लो शेड्यूल को बहुत पढ़ना है अब तुम्हें पता है तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए उठो गेटअप ठीक है बेद नहाओ ठीक है स्टडी करो ठीक है वन आवर या दो घंटे का सिटिंग लगाओ ठीक है फिर उसके बाद टेन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक फिर लग जाओ फिर और शाम को इवनिंग में वॉक पे जाना है हर कोई वॉक पे जाएगा ठीक है जी वॉक पे जाएगा इवनिंग वॉक पे जाएगा ठीक है जी ये आपको करना है और सोने से पहले डेली टारगेट्स अपने सेट करके करके सोने हैं ये टारगेट्स हैं ये हर रोज के टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं हर पाँच हर तीन दिन के टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं ठीक है ये देखिए सारा शेड्यूल आपके लिए मैं लेकर आई हूं ठीक है ये आपको फॉलो करना है प्लस मॉक टेस्ट भी देने हैं मॉक टेस्ट किस किस को कब तक चाहिए जल्दी से बता दो डब्ल्यू पर अवेलेबल होंगे मॉक टेस्ट थोड़ा प्यार शो कर दो यार बाय लाइकिंग द वीडियो बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड ऑल्सो बाय आस्किंग योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन ये तो बता देना ये वीडियो कैसी लगी मुझे भी अच्छा लगता है मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार जो मैं मेहनत कर रही हूं ये शेड्यूल बनाने बहुत डिफिकल्ट है ठीक है वो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम फॉलो करो और चैलेंज हो जो तो एक्सेप्ट कर रहा है मुझे बता देना कि कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है साइनिंग ऑफ आई एल सू सुपर सुन बाय टेक केयर और मुझे यहीं पर याद आया कि हमने करंट अफेयर तो डिस्कस ही नहीं किया करंट अफेयर्स डिस्कस ही नहीं किया यह क्या होगा चलो अभी डिस्कस कर लेते करंट अफेयर्स का क्या सीन है देखिए नो डाउट सिक्स मार्क्स का ही आया था

प्लीज़ एजुगिरी के जो मेरे करंट अफेयर्स के सेशन है एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है वो करंट अफेयर्स सेशन फॉलो करना स्टार्ट कर दोगी तो कम से कम मेक तो तुम्हारी पक्की हो जाएगी और जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो मैगजीन में भी मैगजीन पढ़ने में भी तुम्हारी हेल्प करेगी वैसे मैंने जनवरी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है तुम्हारे साथ शेयर कर दी हैं ये रूपीज टू के हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बट हाँ हर रोज तुमने पढ़नी है प्रतियोगिता दर्पण ठीक है मेरे सेशन अटेंड करो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी तुम पता चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है ठीक है तुम ना ऐसे लॉस्ट नहीं होगे करंट अफेयर्स में अगर तुम तो मेरे सेशंस लगाओगे 6 पीएम पे होता है मेरा लाइव सेशन नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो लिंक एजुगिरी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोई और डाउट होगा तो कमेंट कर देना दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ आई सी यू सुपर टेक केयर